हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटा? बेटा अपने पास जो पार्ट चल रहा था वो मेटलर्जी का चल रहा था, और मेटलर्जी के अंदर हम अपने लास्ट और फाइनल स्टेप पर बेटा, जिसका नाम है रिफाइनिंग। और रिफाइनिंग क्या होता है बेटा, इसके ऊपर हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि रिफाइनिंग क्या होता है बेटा। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के अंदर हम क्रूड मेटल से प्योर मेटल को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। ए प्रोसेस इन विच द क्रूड मेटल इज कन्वर्टेड इनटू प्योर मेटल। एक ऐसा प्रोसेस बेटा जिस प्रोसेस के अंदर आपकी क्रूड मेटल से हम क्या ऑब्टेन करते हैं बेटा, प्योर मेटल ऑब्टेन करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, रिफाइनिंग। बेटा इसके अंदर हम जनरली तीन प्रकार की टेक्निक का इस्तेमाल कर चुके हैं। पहली टेक्निक हमने यूज की क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, सेकंड हमने यूज की बेटा लिक्विफिकेशन प्रोसेस, और थर्ड हमने यूज की बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। आज हम अपनी फोर्थ रिफाइनिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे बेटा, जिसका नाम है जॉन रिफाइनिंग। और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा, क्या होती है बेटा जोन रिफाइनिंग, और जोन रिफाइनिंग का प्रिंसिपल क्या है। तो जोन रिफाइनिंग का प्रिंसिपल है बेटा कि दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन, दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल दैट, दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल दैट द इंप्योरिटीज आर नॉट सोल्यूबल, the impurities more soluble in molten state than, this method is based upon principle that the impurities are more soluble in molten state than in solid state metal. इस मेथड का जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है बेटा, द इंप्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन मोल्टन स्टेट देन इन द सॉलिड स्टेट ऑफ मेटल। बेटा इसने बोला है कि इस मेथड का जो प्रिंसिपल हुई है कि जो आपकी इंप्योरिटीज होती है बेटा, देखो आप क्या, आपके पास क्या है बेटा, आपके पास है क्रूड मेटल। आपके पास क्या है बेटा, आपके पास है क्रूड मेटल। क्रूड मेटल के मतलब क्या है बेटा, इसमें दो प्रकार की थिंग्स प्रेजेंट है। एक तो आपकी यहाँ पर मेटल प्रेजेंट है, और एक आपकी यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बेटा, इंप्योरिटी प्रेजेंट है। क्रूड मेटल का मतलब यहाँ पर दो चीज प्रेजेंट है बेटा, एक तो आपके मेटल प्रेजेंट है, उसके साथ साथ क्या प्रेजेंट है बेटा, यहाँ पर इंप्योरिटी प्रेजेंट है। तो जो आपकी जोन रिफाइनिंग का प्रिंसिपल है वो बोलता है बेटा कि जो आपकी मेटल होती है ना, ये मेटल कौन सी फॉर्म में रहना पसंद करती है, सॉलिड फॉर्म के अंदर रहना पसंद करती है। और जबकि जो आपकी इंप्योरिटी है ये कौन सी स्टेट में रहना पसंद करती है बेटा, ये लिक्विड स्टेट में रहना पसंद करती है, यानी मोल्टन स्टेट के अंदर ये रहना पसंद करती है। तो इसने बोला बेटा कि जो आपकी इंप्योरिटीज होती है, इट इज मोर सोल्युबल, वो ज्यादा से ज्यादा सोल्युबल होती है। किसके अंदर सोल्युबल होती है बेटा, मोल्टन स्टेट के अंदर सोल्युबल रहती है, देन द सॉलिड स्टेट का मेटल। और मेटल किस स्टेट में रहना पसंद करती है बेटा, आपकी सॉलिड स्टेट के अंदर रहना पसंद करती है। तो दिमाग में रखना बेटा, इस मेथड का जो मेन प्रिंसिपल है, या बोल सकते हो बेटा इस मेथड के अंदर इंप्योरिटी को कैसे अलग किया जाता है, तो सीधी सी बात है बेटा कि जो आपकी इंप्योरिटी है उस इंप्योरिटी को किस में ले आओ बेटा, आप मोल्टन स्टेट में ले आओ। जैसे इंप्योरिटी आपकी मोल्टन स्टेट के अंदर आ जाएगी, इंप्योरिटी किस में रहना पसंद करती है बेटा, मोल्टन स्टेट में, तो इंप्योरिटी मोल्टन स्टेट को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाएगी। और आप अपनी मेटल को कौन सी फॉर्म में ले आओ बेटा, सॉलिड फॉर्म में ले आओ, और आपकी मेटल इंप्योरिटी से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अब इस मेथड का जो इस्तेमाल है वो कभी किया जाता है बेटा, बेटा इस मेथड का इस्तेमाल हमें हाईली प्योर्ड मेटल को प्राप्त करने में किया जाता है बेटा। हमें ऐसी मेटल चाहिए जो 100% कैसी हो बेटा, प्योर। यानी कि अगर हम प्योरिटी की बात करें तो दिस मेथड इज यूज्ड टू प्योरीफाइंग, या बोल सकते बेटा दिस मेथड इज यूज्ड टू मेटल व्हिच इज रिक्वायर्ड इन हाईली प्योर स्टेट। बेटा इस मेथड का इस्तेमाल उस मेटल को प्योरीफाई करने में किया जाता है जो मेटल हाईली प्योर स्टेट में हमें चाहिए। जैसे मान लो हमारे पास सिलिकॉन है, गैलियम है, इंडेनियम है बेटा, इन मेटल, और सबको पता है बेटा कि ये जो हमने मेटल लिखी है यहाँ पे, इन मेटल का इस्तेमाल किस में किया जाता है बेटा, सेमी कंडक्टर बनाने में। किस में किया जाता है बेटा, सेमी कंडक्टर बनाने के लिए हम इन मेटल का क्या करते हैं,
इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमें सेमीकंडक्टर चाहिए तो सेमीकंडक्टर बेटा उसी मेटल का बनता है जिसमें इंप्योरिटी नहीं होती। इसलिए बेटा हमें सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इन मेटल का इस्तेमाल करना है। इसलिए इन मेटल को कैसा करना पड़ेगा बेटा, हाईली प्यूरिफाई करना पड़ेगा बेटा। क्या करना पड़ेगा बेटा, इन्हें हाईली प्यूरिफाई करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा प्यूरिफिकेशन किसके अंदर होती है बेटा, जोन रिफाइनिंग टेक्निक के अंदर होती है बेटा। तो ध्यान से सुनना कि जोन रिफाइनिंग का इस्तेमाल कब किया जाएगा बेटा, जोन रिफाइनिंग का इस्तेमाल उस मेटल को प्यूरिफाई करने में किया जाएगा जो मेटल हमें किसमें चाहिए, 100% प्योर स्टेट में चाहिए। और अगर ऐसा कुछ होता ही नहीं बेटा कि कोई भी मेटल 100% प्यूरिफाई हो जाए, यहाँ पर भी कुछ इंप्योरिटी होगी, लेकिन वो इंप्योरिटी कितनी होगी, वो इंप्योरिटी होगी बेटा 5 से 7 PPM। अगर यहाँ पर मेटल में इंप्योरिटी प्रेजेंट होगी तो वो इंप्योरिटी कितनी होगी बेटा, 5 से 7 PPM। PPM का मतलब क्या होता है बेटा, पार्ट पर मिलियन। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास 1 मिलियन मेटल के पार्टिकल है, अगर आपके पास 1 मिलियन किसके पार्टिकल बेटा, मेटल के पार्टिकल है, तो उस 1 मिलियन मेटल के पार्टिकल में 5 से 7 पार्टिकल किसके होंगे बेटा, आपकी इंप्योरिटी के होंगे। यानी कि इतनी कम इंप्योरिटी प्रेजेंट है जिसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए बोलो बेटा कि जोन रिफाइनिंग टेक्निक का इस्तेमाल उस मेटल को प्यूरिफाई करने में किया जाएगा जो मेटल हमें कौन सी स्टेट में चाहिए, हाईली प्यूरिफाइड स्टेट में चाहिए। जैसे सिलिकन है, गैलियम है, इंडेनियम है, बोरोन है, ये वो मेटल बेटा जिन मेटल का इस्तेमाल किसमें किया जाता है, सेमीकंडक्टर को बनाने में किया जाता है। और सेमीकंडक्टर के अंदर हमें इंप्योरिटी अलाउ नहीं करते, इसलिए हमें जो मेटल चाहिए वो कैसे चाहिए बेटा, हाईली प्यूरिफाई चाहिए। अगर इसके अंदर कुछ इंप्योरिटी प्रेजेंट भी हो जाती है तो उस इंप्योरिटी की मात्रा कितनी होगी बेटा, वो होगी 5 से 7 PPM। इसका मतलब अगर आपके पास 1 मिलियन पार्टिकल मेटल के हैं तो उसमें से 5 से 7 पार्टिकल किसके होंगे बेटा, आपकी इंप्योरिटी होंगी। यानी कि इतनी इंप्योरिटी बेटा जिसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दोबारा से देख लो बेटा, जोन रिफाइनिंग का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि जो आपकी इंप्योरिटी होगी वो कौन सी स्टेट में रहना पसंद करेगी बेटा, मॉडर्न स्टेट में रहना पसंद करेगी। और जो आपकी मेटल है वो कौन सी स्टेट में रहना पसंद करती है बेटा, सॉलिड स्टेट के अंदर रहना पसंद करती है। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से मेटल को क्या किया जा सकता है बेटा, प्यूरिफाई किया जा सकता है। तो चलते हैं बेटा इस थ्योरी के ऊपर। इसके अंदर बोल रहे बेटा कि जिस मेटल को आपने प्यूरिफाई करना है, सबसे पहले उस मेटल को किस में कन्वर्ट कर लो, एक बार के अंदर कन्वर्ट करो बेटा। ये आपकी वो मेटल है जिस मेटल को आप क्या करना चाहते हो बेटा, प्यूरिफाई करना चाहते हो। हमने क्या किया बेटा, इस मेटल को सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लिया, एक बार के अंदर कन्वर्ट कर लिया। और फिर इस मेटल को किस में रखा बेटा, हमने इस मेटल को हमने इनर्ट एटमोस्फियर में रखा है बेटा। इस मेटल को किस में रखा है बेटा, इसको हमने रखा है बेटा इनर्ट एटमॉस्फियर के अंदर। ये यहाँ पर क्या प्रेजेंट बेटा, यहाँ पर प्रेजेंट बेटा आपका इनर्ट एटमॉस्फियर। क्या प्रेजेंट बेटा, यहाँ पर आपका इनर्ट एटमॉस्फियर प्रेजेंट बेटा, जिसको आप बोलते हैं नोबल गैस एटमॉस्फियर। इनर्ट जो होता है नोबल गैस ही होती है, तो यहाँ पर कौन बेटा आपका नोबल गैस प्रेजेंट बेटा, नोबल गैस। अब आप बोलते हो सर इसको नोबल गैस में क्यों रखा, एक बात बताओ बेटा मुझे मेटल कैसे चाहिए, हाईली प्यूरिफाई चाहिए। और अगर मेटल प्यूरिफाई होती है ना, वो मेटल गर्म होने पर उतनी ही जल्दी किसके साथ रिएक्शन कर जाती है बेटा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाती है। लेकिन यहाँ पर मैंने एटमॉस्फेयर किसका दिया है, नोबल गैस का दिया है। अगर मेटल प्योर स्टेट में आ गई उसको एटमॉस्फेयर किसका मिलेगा, नोबल गैस का मिलेगा। तो यहाँ पर रिएक्शन होने का कोई चांस नहीं है और हमारे पास मेटल कैसे रहेगा, हमेशा प्यूरिफाई रहेगी। तो हमने क्या किया बेटा, इसको हमने क्या बोल दिया कि हमारे पास कौन बेटा मेटल बार है, जिस मेटल को हम प्यूरिफाई करना चाहते हैं बेटा, उसको सबसे पहले किसमें कन्वर्ट किया हमने, एक बार के अंदर। और उसके ऊपर किसमें रखा बेटा, हमने नोबल गैस के एटमॉस्फेयर में। उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, इसके ऊपर एक मूविंग हीटर लगाते हैं बेटा। क्या लगाते हैं, इसके ऊपर हम एक मूविंग हीटर लगाते हैं। यहां पर ही हो गया बेटा अपना मूविंग हीटर। मूविंग हीटर क्या करेगा बेटा, मूविंग हीटर इसको हीट करेगा बेटा। इस मेटल को क्या करेगा बेटा, मूविंग हीटर हीट करेगा बेटा। इतना टेम्परेचर बढ़ाएगा कि देखो बेटा मूविंग हीटर यहां तक है, तो इसका मतलब यहां तक जो मेटल होगी वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी, क्योंकि हीटर लगा रखा बेटा। इस हीटर के कारण यहां तक की जो मेटल होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, मेल्ट हो जाएगी। यहां तक की मेटल क्या हो जाएगी बेटा, मेल्ट हो जाएगी। अब देखो बेटा, जब मेटल आपकी मेल्ट हो चुकी है तो आपका जो इंप्योरिटी है वो इस मेटल स्टेट में रहना ज्यादा पसंद करेगा,
फिर हम क्या करते हैं इस मूविंग हीटर को आगे शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ तक कि मेटल मोल्ट हो चुके बेटा, पिघल चुकी है, पिघलने के बाद हम क्या करते हैं इस हीटर को आगे शिफ्ट कर देते बेटा। अब हमने क्या किया, इस हीटर को आगे शिफ्ट किया, ये क्या बेटा आपका मूविंग हीटर है, मूविंग हीटर हमने हीटर को यहाँ से हटा के बेटा आपके बाद क्या किया, यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। अब जैसे हीटर यहाँ पर आएगा बेटा तो यहाँ तक की जो इम्प्योरिटी होगी वो भी पिघल जाएगी और मेटल जो होगी वो भी पिघल जाएगी। और देख लो बेटा जब हमने इस हीटर को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पर जो मेटल थी वो धीरे धीरे क्या होगी बेटा कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर मेटल क्या करेगी बेटा कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी बेटा, कूल डाउन यहाँ पर मेटल क्या होगा बेटा ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन बेटा यहाँ पर मेटल तो ठंडी हो जाएगी लेकिन इम्प्योरिटी कौन से स्टेट में रहना पसंद करेगी, मोल्टन स्टेट में। तो यहाँ पर जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी बेटा वो इम्प्योरिटी क्या करेगी इस आगे वाली मोल्टन स्टेट के अंदर आ जाएगी बेटा। ये कौन आ गई बेटा आपके बाद आपकी फिर से मोल्टन स्टेट आई। हम लगातार इस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं बेटा, जैसे जैसे आप हीटर को मूव करते हो आपकी इम्प्योरिटी क्या करेगी बेटा आगे बढ़ना स्टार्ट कर देगी, फिर आगे चली जाएगी, फिर आगे चली जाएगी, ऐसी स्टेज आएगी कि आपकी इम्प्योरिटी एक कोने के ऊपर आकर इकट्ठी हो जाएगी और हम क्या करते हैं उस कोने को तोड़कर फेंक देते हैं, बाकी बची मेटल हमारे पास कैसी होगी बेटा प्यूरिफाई होगी। दोबारा से देख लो हमारे पास क्या था बेटा बार मैग्नेट है, बार मेटल थी बेटा जिसको हम प्यूरिफाई करना है, किसके अंदर रखा बेटा नोबल गैस के एटमोस्फेयर में रखा, क्या लगा रखा बेटा मूविंग हीटर। जैसे हीटर यहाँ तक की मेटल को क्या करेगा गर्म करेगा तो यहाँ पर जो इम्प्योरिटी होगी वो मोल्टन स्टेट में आ जाएगी और हमें पता है बेटा जो आपकी इम्प्योरिटी है वो मोल्टन स्टेट में रहना ज्यादा पसंद करती है। और अब हीटर को हम आगे करेंगे तो मेटल कैसे होती चली जाएगी बेटा कूल डाउन और सोलिडिफाइड होना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन इम्प्योरिटी क्या करेगी आगे शिफ्ट हो जाएगी बेटा, फिर और आगे हो जाएगी और ऐसे करते करते इम्प्योरिटी कहाँ चली जाएगी बेटा इस बार मेटल के एक एंड पर एक सिरे पर पहुंच जाएगी, उस सिरे को तोड़कर हम फेंक देंगे, बाकी बची मेटल हमारे पास कैसे होगी बेटा प्यूरिफाई। तो ये थी बेटा आपकी कौन सी रिफाइनिंग, जो रिफाइनिंग मोस्ट इंपोर्टेंट थी बेटा। सेकंड लेते हैं बेटा और लास्ट, ये लास्ट रिफाइनिंग है बेटा, इसके बाद यूनिट खत्म हो जाएगी आपकी, लास्ट है फिफ्थ जिसका नाम है बेटा वेपर फेज रिफाइनिंग। लास्ट बेटा ये, उसके बाद यूनिट फिनिश आपकी, नेक्स्ट यूनिट कल स्टार्ट करेंगे बेटा वेपर फेज रिफाइनिंग। क्या होती है बेटा आपकी वेपर फेज रिफाइनिंग तो ध्यान से सुनना बेटा, दिस मेथड, इस मेथड का भी कोई ना कोई प्रिंसिपल होगा, तो इस मेथड का प्रिंसिपल बेटा कि दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन principle that this method is based upon principle that the metals can be converted into volatile compounds but impurities are not affected. This method is based upon principle that the metals are converted into volatile compound but the impurities are not affected. These volatile compounds decompose on heating. These volatile compound decompose on heating and give pure metal. क्या होता है बेटा आपकी वेपर फेज रिफाइनिंग का प्रिंसिपल क्या है कि दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल दैट, ये मेथड इस प्रिंसिपल पर काम करता है कि जब मेटल को हम हीट करते हैं किसी सुटेबल रिएजेंट के साथ, जब हम मेटल को कौन से मेटल बेटा क्रूड मेटल को, यहाँ पर जो मेटल है वो कौन से बेटा आपकी क्रूड मेटल है बेटा यहाँ पे, तो जो आपकी क्रूड मेटल है जैसे हम उसको क्या करते हैं बेटा हीट करते हैं, तो जो आपकी मेटल होगी वो मेटल किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा वोलेटाइल
कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन आपकी इंप्योरिटी वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं होगी। इसलिए हम लिखे इंप्योरिटी आर नॉट अफेक्टेड, इंप्योरिटी पर कुछ भी असर नहीं होगा। अब जो वोलेटाइल कंपाउंड आपका बनाए, अगर उस वोलेटाइल कंपाउंड को दोबारा हीट कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज। और जैसे वो वोलेटाइल कंपाउंड डिकम्पोज होगा तो हमें क्या मिल जाएगी बेटा, प्योर मेटल। ध्यान से सुनना बेटा, ये मेथड इस प्रिंसिपल पर काम करता है कि जब हम क्रूड मेटल को किसी रिजेंट के साथ गर्म करते हैं, किसी दूसरे रिजेंट के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्रूड मेटल में जो मेटल प्रेजेंट है वो मेटल उस रिजेंट के साथ रिएक्शन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, आपके वोलेटाइल कंपाउंड में, और आपकी इंप्योरिटी नीचे रह जाएगी। और जो आपका वोलेटाइल कंपाउंड बनाया, अगर उस वोलेटाइल कंपाउंड को फिर से क्या कर दिया जाए, हीट कर दिया जाए, तो वोलेटाइल कंपाउंड डिकम्पोज हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगी, आपकी मेटल। तो बेटा दिस मेथड रिक्वायर्ड टू कंडीशन, इस मेथड की जो कंडीशन वो कितनी कंडीशन बेटा, दो कंडीशन है। दिस मेथड रिक्वायर टू कंडीशन, इस मेथड के लिए दो प्रकार की कंडीशंस का होना क्या है बेटा, जरूरी है। पहले कंडीशन देखो बेटा, सबसे पहले हमने क्या किया है, मेटल को किसमें कन्वर्ट किया बेटा, प्योर कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट किया है। अगर ऐसा हो जाए कि मेटल हमारे पास प्योर कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट ना हो, इन वोलेटाइल कंपाउंड में ही कन्वर्ट ना हो, तो आप तो वेपर फेज रिफाइनिंग काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले कंडीशन आती है बेटा कि मेटल शुड फॉर्म ए वोलेटाइल कंपाउंड विद ए सुटेबल रिजेंट। पहली कंडीशन आती है बेटा कि मेटल, द मेटल शुड फॉर्म volatile compound with stable reagent। पहली कंडीशन की आपकी बेटा कि जो आपकी मेटल है वो किसमें कन्वर्ट होनी चाहिए, volatile compound में कन्वर्ट होनी चाहिए। कब, जब उसको किसके साथ ट्रीट करवाया जाता है, सुटेबल रिजेंट के साथ। और सेकंड क्या है बेटा, सेकंड है बेटा कि जो volatile compound आपका बना है, सेकंड कंडीशन बेटा, द वोलेटाइल कंपाउंड इजिली डिकम्पोज ऑन हीटिंग, द वोलेटाइल कंपाउंड इजिली डिकम्पोज ऑन हीटिंग एंड गिव प्योर मेटल। और दूसरी कंडीशन ये बेटा कि जो आपका वोलेटाइल कंपाउंड है वो वोलेटाइल कंपाउंड बड़ी आसानी से क्या हो जाए, टूट जाए, और टूट कर क्या दे दे बेटा आपको, प्योर मेटल। अगर कोई मेटल इन दोनों कंडीशन को क्या करती है, फॉलो करती है, तो उस पर हम कौन सी रिफाइनिंग यूज कर सकते हैं बेटा, वेपर फेज रिफाइनिंग। बेटा इस मेथड का इस्तेमाल जनरली निकिल, टाइटेनियम, जिरकोनियम जैसे मेटल को प्यूरिफाई करने में किया जाता है बेटा। बेटा वेपर फेज रिफाइनिंग का इस्तेमाल निकिल, टाइटेनियम और जिरकोनियम जैसे मेटल को प्यूरिफाई करने में किया जाता है। अब आप करते हैं, सबसे पहले निकिल को कैसे प्यूरिफाई किया जाए। वेपर फेज रिफाइनिंग में हमने तीन मेटल बोले बेटा, निकिल, टाइटेनियम और जिरकोनियम। तो उसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं रिफाइनिंग ऑफ निकिल मेटल। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा निकिल मेटल की रिफाइनिंग। तो इसने बोला बेटा अगर हमें निकिल मेटल को क्या करना है, रिफाइन करना है, तो निकिल मेटल इज रिफाइंड बाय मोल्ड प्रोसेस। बेटा निकिल मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए जिस प्रोसेस का आप इस्तेमाल करोगे वो प्रोसेस आपका कौन सा प्रोसेस कहलाएगा बेटा, वो कहलाएगा बेटा आपका कौन सा प्रोसेस, आपका मोल्ड प्रोसेस। अब क्या होता है इस मोल्ड प्रोसेस के अंदर बेटा, इस मोल्ड प्रोसेस के अंदर आप निकिल मेटल को सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म करते हो। बेटा आपकी पहली कंडीशन यही थी ना कि आपकी जो क्रूड मेटल है सबसे पहले इस क्रूड मेटल को किसके साथ गर्म करोगे, किसी रिजेंट के साथ। तो जैसे ही रिजेंट के साथ गर्म करोगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वोलेटाइल कंपाउंड में, और इंप्योरिटी क्या होगी, नीचे रह जाएगी। यानी कि ये आपकी जो निकिल है ये कौन सी निकिल है बेटा, ये क्रूड निकिल है बेटा आपकी, क्रूड मेटल। इस क्रूड मेटल में दो चीजें, एक तो मेटल और एक इंप्योरिटी। तो मेटल क्या होगी, इस रिजेंट के साथ रिएक्शन करेगी और रिजेंट के साथ रिएक्शन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वोलेटाइल कंपाउंड में। ये कन्वर्ट होगी बेटा निकिल टेट्रा कार्बोनिल के अंदर, किसमें कन्वर्ट होगी बेटा, ये निकिल टेट्रा कार्बोनिल के अंदर, ये बन गया बेटा आपका निकिल टेट्रा
कार्बोनिल जो एक वोलेटाइल कंपाउंड बन गया बेटा, वोलेटाइल कंपाउंड बन गया बेटा। क्या किया क्रूड मेटल को एक रिजेंट के साथ हमने क्या किया बेटा, हीट किया, जैसे इसको हीट किया तो अपना क्या बन गया बेटा, एक वोलेटाइल कंपाउंड। फिर हमारी दूसरी कंडीशन लगी बेटा कि इस वोलेटाइल कंपाउंड को फिर से क्या कर दो, हीट कर दो बेटा। अब जैसे इसको हीट करोगे तो क्या होगा बेटा, यहां से निकल अलग मिल जाएगी और जो आपका कार्बोनिल है वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन के बाहर निकल जाएगा बेटा। तो ये क्या बन गया बेटा, आपकी हीट करते निकल और प्लस कार्बोनिल क्या होगा बेटा, यहां से बाहर निकल जाएगा। अब यहां पर जो आपको निकल मिलेगी बेटा वो कैसे होगी बेटा, प्योर मेटल होगी। कैसे होगी बेटा, ये आपकी प्योर मेटल होगी। तो ये था बेटा आपका मोनो प्रोसेस। इस प्रोसेस की सहायता से हम कौन से मेटल को प्यूरिफाई करते हैं बेटा, निकिल मेटल को प्यूरिफाई करते हैं। अब बस के बेटा अपने टाइटेनियम और जिर्कोनियम, सेकंड टाइटेनियम एंड जिर्कोनियम रिफाइनिंग। अब इसको कैसे रिफाइन करते हैं बेटा, तो इसकी रिफाइनिंग को हम बोलते हैं वैन आर्केल प्रोसेस। वैन आर्केल प्रोसेस बेटा, वैन आर्केल प्रोसेस इज सिमिलर टू मोड प्रोसेस। जो आपका वैन आर्केल प्रोसेस होता है ये भी किसके समान होता है बेटा, मोड प्रोसेस के समान होता है। लेकिन वैन आर्केल प्रोसेस का इस्तेमाल तब किया जाता है बेटा जब आपकी इंप्योरिटी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के रूप में हो, कि जब आपकी मेटल में इंप्योरिटी कौन सी फॉर्म में हो बेटा, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन फॉर्म में हो, तब कौन से प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं बेटा, वैन आर्केल प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर क्या होता है बेटा कि जिस मेटल को हमें प्यूरिफाई करना, चाहे टाइटेनियम को प्यूरिफाई करें, चाहे हम किसको प्यूरिफाई करें बेटा, जिर्कोनियम को। मान लो हम जिर्कोनियम को प्यूरिफाई करें बेटा, तो जिर्कोनियम मेटल को सबसे पहले रिजेंट के साथ गर्म करेंगे, तो रिजेंट कौन होगा बेटा आपका, आयोडीन। रिजेंट कौन होगा बेटा आपका, आयोडीन। ये कौन बेटा, ये आपकी क्रूड मेटल। ये कौन बेटा आपकी क्रूड मेटल, किसके साथ गर्म किए, आयोडीन के साथ। जैसे इसको गर्म करोगे तो ये क्या बनेगा बेटा, वोलेटाइल कंपाउंड। क्या बनाएगा बेटा, ये वोलेटाइल कंपाउंड। तो ये बन गया बेटा आपका जिर्कोनियम टेट्रा आयोडाइड। क्या बन गया बेटा, ये आपका जिर्कोनियम टेट्रा आयोडाइड, जो वोलेटाइल कंपाउंड। अब इसको हीट कर दो दोबारा, तो जैसे इसको दोबारा हीट करोगे तो क्या बेटा, जिर्कोनियम अलग हो जाएगा और आपका आयोडीन अलग निकल जाएगा बेटा। ये थी बेटा आपकी रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ ये मोनो प्रोसेस, निकल के लिए और वैन आर्केल किसके लिए बेटा, टाइटेनियम और जिर्कोनियम। टाइटेनियम को करना है तो जिर्कोनियम के स्थान पर किसके इस्तेमाल कर लेना, टाइटेनियम का इस्तेमाल कर लो। तो ये बन जाएगा बेटा टाइटेनियम टेट्राआयोडाइड। जैसे इसको दोबारा हीट करोगे तो टाइटेनियम अलग और आयोडीन अलग, यहां से आपको प्योर मिल जाएगी, प्योर मेटल। ये था बेटा आपका रिफाइनिंग प्रोसेस, और इसके साथ जो अपनी ये यूनिट है ये क्या होती है बेटा, खत्म होती है। नेक्स्ट यूनिट हम देखते हैं बेटा पॉलीमर या केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में इसे स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की जो वीडियो आपको समझ में आ रही होगी बेटा, इसके अपने नोट्स बना लेना और अच्छे से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर लो बेटा। थैंक यू।